गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका यूनिट नंबर 9th है। यहाँ पे जो हमने पिछला चैप्टर किया था 8th ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर है 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाइट बिल्डिंग। मतलब हमारे पास एक लड़का है जिसकी हाइट दी हुई है हमें 1.5 मीटर। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो फिर क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जो लड़का है, लड़का बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज कर रहा है 30 to 60। कैसे इंक्रीज हो रहा है? जो वो लड़का है वो बिल्डिंग की पास जा रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें दिखाना है कि उस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे ये आगे हमारे पास बिल्डिंग, इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। ए बी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट कितनी हुई है? 30 मीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5। ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल। यहां पे लड़का है खड़ा हुआ, ये आ गया समझो लड़के की हाइट, जिसको हमने नाम दे दिया सीडी। तो लड़का जो बिल्डिंग के सामने खड़ा है, बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, ये बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने का है? 30 डिग्री। फिर ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ आगे आगे चलता है। समझो हम मान लेते हैं वो यहां पे पहुंच गया, यहां से उसका एंगल जो है कितने का है? 60 डिग्री का। तो अब हमने दिखाना है कि वो कितना चला, मतलब यहां से यहां तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। इसको नाम दे सकते हो आप, इधर दे दिया ई, इधर दे दिया एफ, और जितना ये सी डी है उतना ही ये ई बी होगा, क्योंकि बराबर है, पैरेलल हाइट है। तो लिख सकते हो आप, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सी एफ, या नीचे ले जाओ तो डी, तो इस पॉइंट को नाम देना पड़ेगा। इधर इतना हमें दिखाना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उस लड़के ने। तो लिख सकते हैं हम, लेट ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर वी द हाइट ऑफ बिल्डिंग और सी डी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर वी द हाइट ऑफ बॉय और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने पहले भी बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये आ गया कोई समझो टावर है, कोई भी बड़ी चीज है, कोई बड़ी बिल्डिंग है या टावर है। तो ये कोई लड़का है, लड़का उसके टॉप को देख रहा है, तो ये आ गया लाइन ऑफ साइट, और ये आ गया हॉरिजेंटल लाइन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे ही एक बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो नीचे वाली साइड बनता है। जैसे यही टावर है, यहाँ पे लड़का है और लड़का टावर के फुट को देख रहा है, तो ये आ गया हॉरिजेंटल लाइन, ये आ गया लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे जो एंगल बनता है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से आईज, तो यहां पे पहुंचा, यहां पे 60 का एंगल बन रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो लिख सकते हैं, हमने लिख लिया ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सी डी आ गया 1.5 मीटर विद द हाइट ऑफ बॉय। फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट वेरियस अरेंजमेंट और शोन इन फिगर।
वी हैव टू फाइंड CF, that is distance covered by y towards the building. हमें ये निकालना है, फाइंड करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, ये पूरी AB की हाइट कितनी है, 30 मीटर. तो AE की निकाल लेंगे हम पहले. This implies ए बी, ये पूरा जो है ए बी, इसको मैंने लिख लिया ए ई प्लस ई बी. ए ई प्लस ई बी पूरा ए बी बन गया. तो ए बी माइनस ई बी इज इक्वल्स टू ए ई. ई बी को उधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया. वैल्यू लगा सकते हो आप, ए बी की वैल्यू है 30, ई बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर. ई बी जो है सी डी के बराबर है. 30 माइनस सी डी है 1.5, तो ये आ गया हमारा 28.5 मीटर ए ई. ए ई की लेंथ आ गई हमारी 28.5 मीटर. यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 28.5 मीटर और कंप्लीट था हमारा 30 मीटर. तो फिर हम ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लेंगे ए ई एफ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए ई एफ. क्योंकि हमें निकालना क्या पार्ट है, हमें निकालना है सी एफ. हम क्या करेंगे, पहले ई एफ निकालेंगे, फिर सी ई निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे तो ई एफ की वैल्यू सी एफ की वैल्यू आ जाएगी. तो ई एफ निकालना है तो हम रफ में डायग्राम बना सकते हैं. ए ई एफ हमें ये पार्ट दिया हुआ है 28.5 मीटर, ये निकाल लेते हैं. हाइपोटेन्यूज निकाल के हमें कोई यूज़ नहीं है. तो एंगल कहाँ पे है हमारा, 60 डिग्री एंगल यहाँ पे है. ये होगी बेस, ये होगा परपेंडिकुलर. बेस और परपेंडिकुलर को यूज़ करना है. ये हमारा बॉक्स है जो हमने पहले ही किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. तो फिर उधर देख सकते हो आप, हमें बेस और परपेंडिकुलर पे ही काम करना है. हाइपोटेन्यूज से हमें कोई यूज़ ही नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज को हमने लेना ही नहीं है. तो हम ये पार्ट ले सकते हैं, या तो टैन ले सकते हो या फिर कॉट भी ले सकते हो. तो मैंने ले लिया टैन. एंगल कितने का है, 60 डिग्री. टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और यहाँ पर आप देखोगे परपेंडिकुलर है हमारा ए ई और बेस है हमारा ई एफ. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 ए ई, उसकी वैल्यू है 28.5/EF. तो यहाँ से हमारे ई एफ की वैल्यू निकल जाएगी 28.5 × √3 मीटर. ई एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम सी ई की वैल्यू निकालेंगे. इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए ई सी, ये पूरी ट्राइंगल ले ली ए ई सी. तो इसमें भी हमने परपेंडिकुलर और बेस पे ही काम करना है. टेन 30 डिग्री, इसमें एंगल है टेन 30 डिग्री. तो परपेंडिकुलर आ गई हमारी ए ई, बेस आ गया सी ई. तो वैल्यूज लगाते जाएंगे. टेन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, इसकी है 28.5. टेन 30 की वैल्यू है √3 अपॉन सी ई. तो सी ई डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा और √3 यहाँ पे डिवाइड कर लेगा. तो सी ई की वैल्यू आ गई, तो ई एफ की भी आ गई. हमें निकालना क्या था, सी एफ.
देयरफॉर सीएफ, ध्यान से देखना, सीएफ सी, तो मैं क्या करूंगा पूरा सीई पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर लूंगा, माइनस ईएफ। तो वैल्यूज लगा लेंगे सीई, सीई की वैल्यू है हमारे पास 28.5 अपॉन रूट 3 माइनस ईएफ, ईएफ की वैल्यू है हमारे पास 28.5 इंटू रूट 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखोगे 28.5 कॉमन आ जाएगा, 28.5 कॉमन आ गया, 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 अंदर रह गया, 28.5 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर अपॉन रूट 3, और रूट वाली टर्म नीचे नहीं होती है इसलिए हमें रैशनलाइज भी करना है, 28.5 और 1 माइनस सी ई और ई एफ। 1 मिनट, टेन 60 थोड़ा गलत हो गया, 1060 यहाँ पे है 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा रूट 3 नीचे आ जाएगा, और 1030 होता है 1 अपॉन रूट 3 इधर आ जाएगा, और 1030 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 3 हमारा ऊपर आ जाएगा। सी एफ आ जाएगा, सी ई माइनस ई एफ, सी ई की वैल्यू 28.5 इंटू रूट 3 माइनस ई एफ की वैल्यू 60 की वैल्यू रूट 3, 28.5 अपॉन ई एफ, तो ई एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28.5 अपॉन रूट 3। तो इसको कर सकते हो आप माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। वैल्यूज का ध्यान रखना है, 1030 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3 और 1060 की वैल्यू है रूट 3। तो उसके बाद यहाँ पे आगे हम कॉमन लिया था हमने यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 28.5 अपॉन 2 अपॉन रूट 3, और रूट वाली टर्म हम नीचे नहीं रखते हैं, हम उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 57 अपॉन रूट 3, फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिफ्टी सेवन अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री का स्केयर, स्केयर रूट कैंसल, 3 आ जाएगा, 57 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19√3 मीटर। मतलब उस लड़के ने जो डिस्टेंस कवर किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग 19√3 मीटर। तो यहाँ पे आप रूट 3 की वैल्यू लगा भी सकते हो, अगर नहीं लगाओगे यहाँ तक रखोगे तब भी ये आंसर है हमारा।
तो एक बार दोबारा देखते हैं, ये थी बिल्डिंग हमारे पास ए बी, इसकी पूरी हाइट थी 30 मीटर और उसके सामने एक लड़का खड़ा था, लड़के की हाइट थी 1.5 और लड़का बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा था, उसका एंगल था 30 डिग्री। जैसे ये लड़का बिल्डिंग की तरफ आगे आगे चलता है किसी एक पोजीशन पे उसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमने दिखाना है कि लड़के ने कितना चला, यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने क्या किया, सी डी और ई बी बराबर था, हमने ए ई की हाइट निकाली, वो आगे 28.5। फिर मैंने ये छोटी वाली ट्रायंगल ले ली ए ई एफ, हमें हाइपोटेन्यूज से कोई यूज़ नहीं है इसलिए मैंने परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप कॉट भी यूज़ कर सकते हो, टैन भी। तो ध्यान रखना है वैल्यूज़ का, थोड़ी यहाँ पे गलत हो गई थी, आपने वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। तो टैन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3। तो वहाँ से मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर था। फिर दोबारा ये दूसरी ट्रायंगल ली ए ई एफ, टैन 30, तो यहाँ पे भी मैंने बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर था। तो फिर मैंने क्या किया, ये बेस था और ये भी बेस था, दोनों सी ई में से ई एफ निकाल लिया तो सी एफ आ गया। तो उसको फिर थोड़ा रैशनलाइज किया तो ये आ गया हमारा आंसर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आप इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम से समझोगे आराम से तो हो जाएगा, थोड़ी वैल्यूज का ध्यान रखना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट फिक्स की है, मतलब एक जगह फिक्स की, वहां पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमारे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स है, अगर हम नाम दे दें इसको ए बी सी, ए बी जो है हमारा टावर है, बी सी क्या आ जाएगी हमारी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है कितनी, 20 मीटर। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, ग्राउंड पे एक पॉइंट फिक्स किया गया, ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर वाली साइड, बॉटम और टॉप, किसका बॉटम, टावर का, टावर का टॉप आ गया ए, टावर का बॉटम आ गया बी, टावर के बॉटम के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और टॉप के साथ, जो बॉटम के साथ है वो कितना है, 45, छोटा वाला 45 और बड़ा वाला 60 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है ए बी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम जब बन जाएगी आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा बिल्कुल। एक आगे हमारी बिल्डिंग बी सी, उसकी हाइट आ गई 20, बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स है, टावर आ गया ए बी, इसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो उसके बाद ये ग्राउंड लेवल आ गया, ग्राउंड पे एक पॉइंट फिक्स किया है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दो एंगल बन रहे हैं, एक टावर के टॉप की तरफ, एक टावर के बॉटम की तरफ, जो बॉटम है वो बी है, टॉप क्या है टावर का ए, बॉटम के साथ बन रहा है 45, टॉप के साथ बन रहा है 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हमें ए बी फाइंड करना है। तो लिख सकते हो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन, लेट बी सी इक्वल्स टू 20 मीटर वी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी वी द हाइट ऑफ टावर जो हमने निकालना है। तो यहाँ पे डी नाम दे दिया, तो फिर लिख सकते हो आप वेरियस अरेंजमेंट्स और शोन इन फिगर,
या फिर आप डायरेक्ट या ये डायरेक्ट लिख लिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, D इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर और 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो वेरियस अरेंजमेंट आर शोन इन द फिगर. वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर दैट इज ए बी. हमें क्या निकालना है, ए बी. दो ट्राइंगल्स यहाँ पे है, राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि जो बिल्डिंग को टॉप वो स्ट्रेट होगा, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा. इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, मैंने छोटी वाली ट्राइंगल ले ली बी सी डी, परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज से हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि दोनों ट्राइंगल में बेस जो है कॉमन है. तो ये मैंने छोटी वाली ट्राइंगल ले ली बी सी डी, एंगल है 45, परपेंडिकुलर से हमें कोई हाइपोटेन्यूज से कोई यूज नहीं है. हम क्या निकालेंगे, इसकी बेस निकाल लेते हैं. ये हमारे पास है 20, तो ये निकाल सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और बेस पे काम करना है. कॉट भी ले सकते हो, टैन भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया टैन, एंगल है 45 डिग्री. टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है हमारी बी सी, बेस है सी डी, एंगल यहाँ पे है तो बेस सी डी, तो ये आ गया परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज को हमने नहीं लेना है. टैन 45 होता है 1, BC की वैल्यू है 20, CD. CD डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, CD की वैल्यू आ गई 20 मीटर. मतलब ये जो पॉइंट है बिल्डिंग से 20 मीटर दूरी पे है. उसके बाद हम बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेंगे. ऑल्सो इन ट्राइंगल ACD, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे भी हम टैन का ही यूज करेंगे. और बड़ी वाली ट्राइंगल में एंगल कितने का है, 60 डिग्री. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा AC अपॉन CD. ये पूरा परपेंडिकुलर, ये बेस. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू अभी हमने यूज की थी पिछले क्वेश्चन में, रूट 3 इज इक्वल टू AC. AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, AC को मैंने वैसे ही रखा, अपॉन CD. CD की वैल्यू आप अभी निकाली आपने, इसको रख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. 20 मल्टीप्लाई कर लेगा इक्वल्स टू AC. तो हमें निकाला क्या था, AB, तो AC मिल गया हमें पूरा. तो BC है हमारे पास 20, तो हम क्या करेंगे, पूरे AC में से BC को माइनस कर देंगे. तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर वो है हमारी AB, AB की वैल्यू निकलेगी AC माइनस BC. AC की वैल्यू अभी निकाली हमने 20 रूट 3 माइनस BC, BC की वैल्यू 20, तो 20 कॉमन निकल जाएगा, रूट 3 माइनस 1 मीटर. यहाँ तक रखोगे तब भी ठीक है, नहीं तो रूट 3, रूट 3 की आप वैल्यू यूज कर सकते हो 1.732 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये, क्योंकि रूट 3 जो होता है इरेशनल नंबर है. अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आप यूज कर सकते हो, तो फिर 1 के साथ माइनस करोगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो इतना भी रखोगे तभी ये हमारा आंसर है. तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है. तो हमने देखना है हमने निकाला क्या है. ये बिल्डिंग थी पूरी, बिल्डिंग की ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट है 20, बिल्डिंग के ऊपर टावर है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, टावर के टॉप से भी वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और टावर के बॉटम से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एक 45 एक 60 डिग्री. तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर. तो हमने क्या किया, पहले छोटी वाली ट्राइंगल ली, परपेंडिकुलर गिवन था, बेस निकाल लिया. फिर बड़ी वाली ट्राइंगल निकाल ली, बेस हमने पहले का निकाला है तो परपेंडिकुलर निकाल लिया.
जब पूरा परपेंडिकुलर मिला पूरे में से हमने BC निकाल लिया तो AB आ गया, तो वही हमें AB फाइंड करना था। तो ओके स्टूडेंट्स।